जैसा कि इनवर्स लैपलास का उपयोग हम परिपथ आरएलसी श्रेणी समानांतर या अन्य किसी भी प्रकार के अंदर धारा का मान निकालने के लिए करते हैं, सर्वप्रथम हम आई एस जो कि लैपलास ऑफ करंट है उसका मान निकालते हैं, फिर उसका व्युत्क्रम लैपलास निकालकर आई टी का मान निकालते हैं। अब यहाँ चार प्रॉब्लम्स लिए हमने, जिसमें एक में तीनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, दूसरे में एक फैक्टर डबल है यानी एस प्लस वन का स्क्वायर, तीसरे में एक टर्म ऐसी है जिसमें एस की घात दो है, और चौथा जिसमें एक फैक्टर ऐसा है जो कि एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन है, अर्थात न तो परफेक्ट स्क्वायर है न केवल उसमें स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म, उसके अलावा एस की टर्म भी। अब सबसे पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हल करते हैं। माना कि इसका मान a अपॉन s प्लस वन प्लस b अपॉन s प्लस टू प्लस c अपॉन s प्लस थ्री। अब हम सीधे हाथ पर लघुतम समापवर्ती लेते हैं s प्लस वन s प्लस टू s प्लस थ्री का, और फिर इसको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चूंकि दोनों साइड के डिनोमिनेटर बराबर हैं अतः न्यूमरेटर भी बराबर होंगे, इसलिए 1 बराबर a इंटू एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 जो कि s प्लस टू को s प्लस थ्री से गुणा करने पे आया, प्लस b s प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री से s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 प्लस c इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अब हम राइट हैंड साइड पे जो s स्क्वायर के कोफिशियंट्स हैं उनको अलग करते हैं, s की कोफिशियंट्स को अलग करते हैं और कांस्टेंट कोफिशियंट्स कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेते हैं। उससे हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है 1 बराबर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 5a प्लस 4b प्लस 3c इंटू एस और कांस्टेंट टर्म 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब दोनों ओर के कोफिशियंट्स को बराबर करके समीकरणों को हल करने पर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी एस स्क्वायर के कोफिशियंट है सीधे हाथ पर, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, अर्थात उसका मान कोफिशियंट्स का मान जीरो है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। इसी प्रकार s के कोफिशियंट बराबर करने पर 5a प्लस 4b प्लस 3c बराबर जीरो और कांस्टेंट टर्म बराबर करने पर 6a प्लस 3b प्लस 2c बराबर वन। जब इन तीन इक्वेशंस को सरल हल किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है a बराबर हाफ b बराबर माइनस वन c बराबर हाफ। अब इन a b c का मान रखने पर f s का मान प्राप्त होता है हाफ अपॉन s प्लस वन प्लस माइनस वन अपॉन s प्लस टू हाफ अपॉन s प्लस थ्री। अब एफ टी जो है जो कि इनवर्स लैपलास है एफ एस का, वो हो जाएगा लैपलास इनवर्स हाफ अपॉन एस प्लस वन प्लस लैपलास इनवर्स माइनस वन अपॉन एस प्लस टू प्लस लैपलास इनवर्स हाफ अपॉन एस प्लस थ्री। अब हम जानते हैं कि लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस ए होता है ई की पावर माइनस थ्री, क्योंकि हम जानते हैं कि लैपलास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी होता है वन अपॉन एस प्लस ए। तो यहाँ पर प्रथम में s प्लस वन है अर्थात a का मान एक है, इसलिए हाफ इंटू ई रेस टू माइनस टी, द्वितीय में माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टू टी प्लस हाफ इंटू ई की पावर माइनस थ्री टी। इस प्रकार हमने एफ एस का इनवर्स लैपलास निकाल लिया। अब दूसरी प्रॉब्लम में चूंकि टर्म्स s s प्लस वन का स्क्वायर है तो उस केस में हम s प्लस वन के स्क्वायर के लिए जो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उसमें मानते हैं a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1 प्लस c अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यदि यहाँ s प्लस 1 का क्यूब होता तो उस केस में एक टर्म और जुड़ जाती d अपॉन s प्लस 1 का होल क्यूब, लेकिन यहाँ हम अभी 2 अपॉन s s प्लस 1 का होल स्क्वायर को ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 अपॉन s s प्लस 1 का स्क्वायर बराबर a इंटू s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी एस एस प्लस वन प्लस सी एस अपॉन एस एस प्लस वन का स्क्वायर। जैसा कि पिछले प्रॉब्लम ने हमें किया था, दोनों कोर के कोफिशियंट को बराबर करके हमें तीन इक्वेशन प्राप्त होती है ए प्लस बी बराबर जीरो, टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो और ए बराबर टू।
अब इनको जब हम हल करेंगे तो हमें a का मान तो ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, b बराबर माइनस टू और c बराबर माइनस टू। अब इनको a b c का मान एफ एस का मान प्राप्त होता है 2 अपॉन एस प्लस माइनस 2 अपॉन एस प्लस 1 प्लस माइनस 2 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर। अब लैपलास इनवर्स ऑफ एफ एस जो कि एफ टी के बराबर है उसका मान होगा लैपलास इनवर्स 2 अपॉन एस प्लस लैपलास इनवर्स माइनस 2 अपॉन एस प्लस 1 प्लस लैपलास इनवर्स माइनस 2 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर। अब चूंकि पहली टर्म 2 अपॉन एस है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉन्स्टेंट ए का लैपलास ट्रांसफॉर्म a अपॉन s होता है, यहाँ पर a का मान 2 है अतः ये 2 अपॉन s का इनवर्स लैपलास जो होगा वो 2 होगा। द्वितीय टर्म में माइनस 2 अपॉन s प्लस 1 s प्लस a वाली टर्म है अतः माइनस 2 e की पावर माइनस t। अब तृतीय टर्म में जो दिया है वो ये है कि लैपलास इनवर्स माइनस 2 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि लैपलास इनवर्स ऑफ एफ एस प्लस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी लैपलास इनवर्स ऑफ एफ एस। यहां पर एस प्लस ए, ए का मान एक है इसलिए माइनस टू तो बाहर आई गया, ई की पावर माइनस टी वन अपॉन जितने भी s प्लस है उनको रिप्लेस कर देंगे s से। तो यहाँ s प्लस a का मान है s प्लस 1, उसको रिप्लेस करना है s से, तो हमें प्राप्त होगा लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर, और 1 अपॉन s स्क्वायर इनवर्स लैपलास होता है t का। तो जो इनवर्स लैपलास का मान है पूरे वो 2 माइनस 2 e की पावर माइनस t माइनस 2 e की पावर माइनस t इंटू t। तीसरी टर्म 1 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, इसको हम मानेंगे a अपॉन एस प्लस 1। चूंकि द्वितीय गुणनखंड एस स्क्वायर प्लस 1 है तो उस केस में हमें बी एस प्लस सी मानना है, अर्थात यदि नीचे s की अधिकतम पावर 2 है तो हमें टर्म ऊपर लेनी है बी एस प्लस सी, यदि नीचे पावर 1 है तो केवल एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी जैसा कि s प्लस 1 के साथ हमने a लिया है। अब इसको जैसे हमने पिछली दो प्रॉब्लम किया इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई करके abc का मान निकालते हैं, abc के मान को रखते हैं जिससे हमें प्राप्त होता है माइनस हाफ अपॉन s प्लस 1 प्लस हाफ s प्लस हाफ अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एफ टी बराबर लैपलास इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर लैपलास इनवर्स माइनस हाफ अपॉन एस प्लस 1 प्लस लैपलास इनवर्स हाफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैपलास इनवर्स हाफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो एफ टी का जो मान होगा माइनस हाफ 1 अपॉन एस प्लस ए की टर्म तो ई की पावर माइनस टी प्लस हाफ, अब लैपलास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 जैसा कि हम जानते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा का मान एक है इसलिए हाफ कॉस ऑफ टी ये इनवर्स लैपलास होगा हाफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब लैपलास इनवर्स हाफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर का मान 1 है अतः यहां पर ओमेगा का मान 1 आएगा इसलिए ये लैपलास इनवर्स है हाफ ऑफ साइन टी। अब हम चौथी टर्म लेते हैं 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 का हमको इनवर्स लैपलास निकालना है, तो इसे हम मानेंगे a अपॉन एस प्लस बी एस अपॉन सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 जैसा कि पिछली प्रॉब्लम में किया है। अब दोनों ओर के कोफिशिएंट बराबर करके समीकरणों को हल करने पर ए बी सी के मान a बराबर 1 b बराबर माइनस 1 c बराबर माइनस 1, तो एफ एस का मान हो गया 1 अपॉन s s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 को 1 अपॉन s प्लस माइनस 1 इंटू s माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। अब हम मानते हैं कि f1 s जो है वो है s प्लस 1
अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। ऐसी टर्म्स के अंदर डिनोमिनेटर में जो एस स्क्वायर प्लस एस है उसको लेकर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ जोड़ना है 1/4 और उसी को घटाना है। तो एस इसी तरह से ऊपर भी हमें एस प्लस हाफ की टर्म लानी है क्योंकि नीचे आएगा एस प्लस हाफ का स्क्वायर। इस प्रकार एफ एस का मान हो गया 1/s माइनस एस प्लस हाफ प्लस हाफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। तो एफ टी जो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस है वो लैप्लास इनवर्स 1/s माइनस लैप्लास इनवर्स एस प्लस हाफ प्लस हाफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। लैप्लास इनवर्स 1/s माइनस लैप्लास इनवर्स एस प्लस हाफ प्लस हाफ अपॉन एस प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। 1/s का इनवर्स लैप्लास 1। अब यहाँ जैसा कि हम जानते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस प्लस ए होता है ई रेज टू पावर माइनस ए टी लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। यहाँ पर ए का मान हाफ है तो ई की पावर माइनस हाफ इंटू टी लैप्लास इनवर्स। अब जितने भी एस प्लस ए हैं यानी एस प्लस हाफ है उसको हम रिप्लेस करेंगे एस से। तो एस प्लस हाफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3/4। 3/4 को हम रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर रख सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस 3/2 लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। चूंकि ये साइन और कॉस की टर्म्स है तो साइन की टर्म में हमें इन्हें लाना है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की टर्म में यानी ओमेगा मान रूट 3/2 है तो यहाँ ऊपर नीचे रूट 3/2 से गुणा कर देते हैं। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टो 2 लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/√3 रूट 3/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। ये जो प्रथम टर्म है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर ये कॉस का है यानी कॉस रूट 3/2 टी प्लस 1/√3 ये साइन रूट 3/2 टी। धन्यवाद।